सुल्तानपुर में कटका क्लब टीम द्वारा असहाय और बेसहारा को कराया जा रहा है भोजन। युवाओं की टीम की अनोखी मुहिम की लोग कर रहे हैं प्रशंसा। अमेठी में नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ के चौथे दिन दीप महायज्ञ संपन्न हुआ, साथ ही दीक्षा और जन्मदिवस संस्कार भी संपन्न कराया गया। मध्यकाल में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में जनपद के सैकड़ों शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। रात्रि को दीप यज्ञ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। गोरखपुर में मुख्य सचिव ने डीजीपी के साथ गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला का किया स्थलीय निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दो पहिया वाहन को मारी टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। अमेठी में भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश सदस्य गायत्री प्रसाद उपाध्याय मनोनीत किए गए। इससे पहले ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सदस्य पद पर मनोनयन किया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया मनोनीत, लोगों ने जताई खुशी। अमेठी के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत चौधराना मोहल्ले में हुआ बवाल, राजेंद्र और भतीजा अजय के बीच हुई बकरी के बच्चे के बाइक से टकराने में हुई कहासुनी, उपजे विवाद में दोनों पक्ष से स्वजन एकत्रित हो गए, लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, हुई जमकर मारपीट में दोनों पक्षों से दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लखनऊ जेल में निरुद्ध पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पेशी बुधवार को सुल्तानपुर जिले की एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उन्हें जेल से तलब किया। 12 साल पहले आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में उनका बयान अदालत में दर्ज किया जाना था। कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंची गायत्री प्रजापति ने मीडिया से कहा कि वो निर्दोष हैं और उन्हें फर्जी फंसाया गया है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।